हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको हरियाणा के सभी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि हरियाणा की पिछली कक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना और हो सके तो इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखना, ताकि ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, तो चलिए बढ़ते हम अपने क्वेश्चनों पर। हाँ, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मलप्पुरम, केरल। नेक्स्ट, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता। नेक्स्ट, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकता और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डाटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिहीन। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाटा को। नेक्स्ट, द्विआधारी पत्ती का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, जिसको बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्रगति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ENIAC। नेक्स्ट, इंटीग्रेट सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों को, चार्ल्स बेबेज को भी और JS को भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विप्रो नहीं है, और बाकी सब है परम्बी, अनुपम, पेश, ये सब भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। नेक्स्ट, सी डैक का संबंध है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर से। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समकलित परिपथ चिप से।
नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर बनाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अलान एम टूरिंग ने। नेक्स्ट, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी डैक ने। नेक्स्ट, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसावर विकसित व डिजाइन किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाल बेंगलुरु में। नेक्स्ट, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनिवेक। नेक्स्ट, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो इसका राइट आंसर है बी, परम। नेक्स्ट, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक के कंप्यूटर में क्या था, तो इसका राइट आंसर है बी, वाल्व। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम्बेड कंप्यूटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी, इंटीग्रेट सर्किट। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त तीनों, इनपुट भी आउटपुट भी और प्रोसेस भी। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है, तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है सी, सीपीयू। नेक्स्ट, सीपीयू के कार्य है, तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी, CPU द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। नेक्स्ट, CPU का कौन सा भाग आकलन करता और निर्णय करता है, तो इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, और ये आज का हमारे लास्ट का क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है ए, प्रोसेसर। हाँ तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे, ये तो मैंने अभी शुरुआत करी, आगे और भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। थैंक्स।